सृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को ईडी ऑफिस बुलाए जाने के खिलाफ पूरे देश में विरोध जताया जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस भी इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। राजधानी रांची में 6 थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू हुई है। इस वजह से कांग्रेस के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। पहले ईडी दफ्तर का घेराव करना था, हालांकि कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसी वजह से विरोध जताया जा रहा है। देखिए, जब सारी चीजें नेशनल हेराल्ड के मामले में अस्पष्ट हो चुकी थी, बावजूद जो किया गया, जिस तरह से फिर आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को समन किया गया, उसे ये प्रतीत होता है कि ये ठीक नहीं। और लगातार जिस तरह से गैर भाजपा दलों के नेताओं पर गैर भाजपा शासित राज्यों में ईडी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, उससे ये लगता है कि ईडी और सीबीआई अब स्वतंत्र एजेंसी नहीं बल्कि गुलाम एजेंसी बन के रह गई है। और हम उनकी स्वतंत्रता के पैरोकार हैं, हमने इन संस्थाओं का गठन किया है, और दुख होता है जब ये संस्थाओं को हमने गुलाम जो हम स्वतंत्रता दिए थे वो गुलामों की जंजीरों से जकड़ते जा रहे हैं। तो उनसे गुजारिश करने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए आज हम लोग बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि आप न्यायपूर्ण तरीके से काम कीजिए, आप किसी के पॉलिटिकल एजेंडे को आगे मत बढ़ाइए, आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर के काम मत कीजिए। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के हम लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ तो पूरे प्रदेश में हर जिले पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। चूंकि रांची में इस तरह का माहौल नहीं था, इस वजह से हमें जो ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन करना था उसको हमने रद्द कर दिया। अच्छा।